हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस। जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। हमें खुशी है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया एमएस एक्सेस का ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए। तो आज से हम लोग इस टॉपिक पर कुछ वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ IT वर्ल्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी समझ लीजिए कि एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी कहते हैं। अभी इस DBMS को समझने के लिए पहले तो हमें इससे रिलेटेड टॉपिक को थ्योरेटिकली समझना है, और फिर उसके बाद उनमें से एक एक टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकल भी करके समझेंगे। तो मैंने कुछ MS Access से रिलेटेड थ्योरी को मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है। मैं उसे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें बताया गया है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटाबेस को या DBMS को समझने से पहले और MS Access को भी समझने से पहले हम लोग पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है कि डेटा हम लोग उस पार्ट को बोलते हैं या उस तरह के इंफॉर्मेशन को बोलते हैं जब हम उसे सही तरीके से अरेंज नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है डेटा। लेकिन जब हम उस डेटा को किसी भी तरह से अरेंज कर देते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि कोई भी पर्सन जब उसे रीड करे तो वो समझ जाए कि ये किस बारे में है, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में ये डिफरेंट होता है, और जानकारी को अरेंज करने से पहले का जो पार्ट है वो डेटा है, और उन डेटा को जब हम लोग अरेंज कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है कि जब हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि जब हम लोग डेटा को अरेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग को जिस टर्म्स का ज़रूरत है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। मतलब डेटाबेस का यूज होता है डेटा को अरेंज करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है हम लोग का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर यूजर्स मतलब क्या हो गया, हम या आप जैसे जो लोग डेटा को सेव करना चाहते हैं या डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइज करके, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं DBMS। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपका DBMS का ही एडवांस फॉर्म है। मतलब स्टार्टिंग में जब डेटाबेस बना था तो वो DBMS था, लेकिन बाद में उसमें कुछ फीचर्स को ऐड करके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS बनाया गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारा एक्सेस क्या है MS Access। तो MS Access मैं बताना चाहूंगा कि MS Access भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। स्टार्टिंग में जब MS Access को बनाया गया था तो उस टाइम वो DBMS था, बट बाद में उसको फिर उसमें जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का फीचर्स है उसको ऐड कर दिया गया और बाद में उसको RDBMS बना दिया गया। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है आप यहाँ पर थ्योरी में पढ़ के देख सकते हैं। डेटा को अरेंज करने के लिए किसी भी डेटाबेस के अंदर हम लोग को टेबल चाहिए, ठीक है। टेबल क्या होता है? तो रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग टेबल बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा टेबल का। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक टेबल है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं नेम, यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर कॉन्टैक्ट। अब मैं इससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा को ऐड करूँगा। ये जो जितने भी यहाँ पर फील्ड है इससे पे भी कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो ये जो एक पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग टेबल बोलते हैं। DBMS हो या RDBMS हो दोनों में ही आपका इस तरह का टेबल रहता है, और इस टेबल के अंदर ही हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं। तो अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यह होता है कि हम उसमें जितना चाहे टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल से रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ डेटा को अरेंज करने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो स्कूल में अलग अलग तरह के फील्ड है, जैसे एडमिशन है, फी है, और उसके बाद सर्टिफिकेट से रिलेटेड टर्म्स है। तो इसके हर एक तरह का रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक अलग अलग टेबल को बनाएंगे, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम लोग सेम काम करेंगे। बट यहाँ पर यह होगा कि हम लोग यहाँ पर टेबल के बीच में कुछ रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे
प्रॉफिट क्या होगा, उससे प्रॉफिट हम लोग ये होगा कि मान लीजिए स्कूल का एक टर्म है कि जब तक आप फी नहीं क्लियर करते हैं तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो फी टेबल होगा और जो एग्जाम का टेबल होगा उन दोनों को एक दूसरे का रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो जो यूजर होगा उसको मैनुअली एक एक टेबल को जाकर चेक करना पड़ेगा। बट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यह होता है कि यहाँ पर दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा किसी भी तरह से। किस तरह से होगा ये हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बस अभी थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिंक क्रिएट हो जाएगा, तो हम लोग का जो फी वाले टेबल होगा उसके साथ जब हम एग्जाम वाले टेबल का लिंक बना देंगे तो एग्जाम वाले टेबल को ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि किन स्टूडेंट्स का फी क्लियर है और किन का नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स का फी क्लियर नहीं है वहाँ पर ये एक मैसेज आ जाएगा कि ये स्टूडेंट को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए और जिनका फी क्लियर है वो वहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब इसमें मैनुअली चेक करना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है RDBMS में। हम लोग दोनों ही चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो जब आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो आपको पूरी तरह से ये टर्म्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज टेबल। तो टेबल के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बता ही दिया था, तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले बताया था, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेबल। अब टेबल के अंदर क्या क्या होता है, तो टेबल के अंदर ऑब्वियसली रो एंड कॉलम होता है, रो एंड कॉलम मिलकर एक टेबल बनता है। तो यहाँ पर जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। अब डेटाबेस में स्कोर किस किस तरह से लिया जाता है थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर तो कंप्लीटेड टेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया टेबल। अब हर एक कॉलम का जो हेडिंग है, मतलब हर एक कॉलम का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, किस पार्ट को बोलते हैं फील्ड। तो हर एक फील्ड का कुछ यहाँ पर नेम है, तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट फील्ड का नाम स्टूडेंट आईडी, फिर फोर नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब क्या है, ये सब फील्ड का नाम है जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब एक एक फील्ड का नाम है। अब जितनी भी यहाँ पर रो होते हैं एक एक पर्टिकुलर रो को एक एक रिकॉर्ड बोला जाता है, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका नाम जैसे क्या है, फिलिप बार्कर है ना, यहाँ पर फिलिप बार्कर का ये आईडी है, उसके बाद ये उसका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब ये फिलिप बार्कर से ही रिलेटेड एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है। और जब हम लोग एक एक पार्ट को देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा आइटम। जैसे यहाँ पर 6788 एक डेटा आइटम्स है, यहाँ पर कुछ नेम है ये भी डेटा आइटम्स है, यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है। तो एक एक पार्ट को जब हम देखेंगे तो इसको हम लोग डेटा आइटम्स बोलेंगे, और कम्प्लीटली जब हम लोग एक कॉलम को देखेंगे तो उसको हम लोग फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का टेबल है जो डेटाबेस में यूज होता है। तो ये था कुछ थ्योरेटिकल आइटम्स जो हम लोग को डेटाबेस के लिए समझना था। अब हम लोग कुछ ही देर में प्रैक्टिकल करना इसको शुरू करेंगे। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैंने थ्योरी में कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब से रिलेटेड भी थ्योरी को आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। और प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, या डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जमशेदपुर में हमारा दो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है परसोटी और सेकंड ब्रांच है आमबागान साक्षी। तो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए रन कमांड में जाएंगे। रन कमांड कैसे ओपन होता है, रन कमांड को ओपन करने के लिए हम लोग विंडो बटन और आर को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही विंडो और आर को प्रेस करेंगे रन कमांड आ जाएगा। एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे MSCCESS, ठीक है, और ओके का बटन को प्रेस करेंगे या एंटर का बटन में प्रेस करेंगे तो एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस में क्लिक करना है। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है। तो हम लोग एक आप लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम स्कूल दूंगा, और स्कूल से रिलेटेड टर्म को ही यहाँ पर हम लोग देखूंगा कि किस तरह से डेटाबेस में वर्क होता है। और ये नाम देने के बाद आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस कहाँ सेव होना चाहिए। जैसे मैं अभी डेस्कटॉप में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो डेटाबेस है वो डेस्कटॉप में ही सेव होगा। और उसके बाद हम लोग को ये क्रिएट का बटन में क्लिक करना है जिससे हम लोग का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया। जस्ट इसको दिखाने के लिए मैंने मिनिमाइज किया, फिर से इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक टेबल देता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टेबल को आपको सेव कर लेना है। सेव का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस, सबको पता है, नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए, कंट्रोल प्लस एस। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आपको अपना टेबल का नाम देना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टेबल वन लिखा हुआ, मैं इसको इरेज करता हूँ बैक स्पेस बटन से,
और फिर इसमें टेबल का नाम रहता है। तो स्कूल में सबसे पहला वर्ड क्या होता है? एडमिशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टेबल का नाम देते हैं एडमिशन। ओके, जैसे ही हम लोग सेव कर लें, सेव करने के बाद हम लोग को यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, एडमिशन में जाना है और हम लोग को डिजाइन व्यू में जाना है। हम लोग उसको क्लोज क्यों किए, क्योंकि हम लोग को टेबल को पहले क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो वहाँ पर टेबल जो था वो ओपन था, मुझे ओपन नहीं चाहिए था, पहले डिजाइन व्यू में जाकर डिजाइन करना था। तो इसलिए इसमें राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे, जिससे आपका यहाँ पर टेबल बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर देगा। यहाँ पर हम लोग को टेबल को बनाना है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को फील्ड नेम देना है। फील्ड नेम मतलब जैसे नेम क्या है, एक फील्ड नेम है, रोल नंबर क्या है, फील्ड नेम है, फी फील्ड नेम है। तो इस तरह से हम लोग को एक टेबल बनाना है। हम लोग को देखना है कि जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के लिए हम लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें क्या क्या फील्ड होता है। तो उसी तरह का फील्ड हम लोग को यहाँ पर भी बनाना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आईडी नाम से फील्ड ऑलरेडी रहता है, क्योंकि आईडी बहुत कॉमन चीज़ है। तो अगर आपको लगता है कि इसका ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि इसको चेंज कर देना, जैसे मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि आईडी की जगह एडमिशन या शॉर्ट में एडीएम लिखते हैं और एडमिशन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। या एडमिशन आईडी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकता है, तो एडमिशन नंबर के बाद हम लोग नेम लिखेंगे। नेम लिखने से एक मैसेज आता है, तो आपको कुछ नहीं, जस्ट ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फादर नेम या फिर पेरेंट नेम भी इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, कुछ कुछ यहाँ से क्लियर होना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फील्ड नेम के साथ साथ आपको डेटा टाइप को भी ध्यान रखना है। मतलब डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप ये होता है कि जैसे नेम है, नेम क्या हो सकता है, एक छोटा सा शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है या लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है, या नंबर हो सकता है, या फी जैसे करेंसी हो सकता है, या इमेज हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को देना, जब भी हम लोग फील्ड नेम पूछ देते हैं तो हम लोग को साथ साथ में डेटा टाइप बताना पड़ता है कि इसमें किस तरह का वैल्यू आने वाला है, नंबर आने वाला है, इमेज आने वाला है, कोई फाइल आने वाला है, या करेंसी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ सेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट आते जा रहा है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को ये सब चीज़ों को चेंज करना है। तो अभी जो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, अभी भले ही हम इस टेबल का नाम एडमिशन दे दिए, लेकिन अभी फर्स्ट टेबल है, तो हम लोग की एडमिशन से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग फील्ड को नहीं रखेंगे। हम लोग कुछ ऐसे फील्ड को रखेंगे जिससे हम लोग को यहाँ पर जितनी भी टाइप का जो डेटा टाइप है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेम में शॉर्ट टेक्स्ट है, फादर नेम में शॉर्ट टेक्स्ट है, मदर नेम में भी शॉर्ट टेक्स्ट है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, फादर नेम और मदर नेम को डिलीट करता हूँ। अब आप लोग को ये भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फील्ड को डिलीट किया जाता है। जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट रो करना है, देन अगेन राइट क्लिक एंड डिलीट रो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अभी जो हम जितने भी फील्ड लेंगे वो आपका डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगा। मतलब हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को यहाँ पर अभी रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि उसका यूज क्या होता है। और जब ये सब समझ में आ जाएगा तब हम लोग अच्छे से टेबल को डिजाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें किस किस तरह का वर्क होता है। तो शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, उसके बाद आता लॉन्ग टेक्स्ट। तो लॉन्ग टेक्स्ट में जैसे हम लोग यहाँ पर एड्रेस, आप जानते हैं कि एड्रेस बहुत लंबा होता है, उसमें हम लोग को एरिया नेम, सिटी नेम, स्टेट, पिन नंबर बहुत कुछ आता है जो हम लोग को यहाँ पर देना होता है। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट में हम लोग ना लेकर क्या करेंगे, इसको हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट में ले लेते हैं। उसके बाद नंबर है, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एज सेट करने वाले हैं, आपकी उम्र क्या है, तो इसके लिए हम लोग नंबर लेंगे, राइट। नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में आप एडमिशन डेट के लिए ले सकते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडमिशन डेट के लिए लेता हूँ। एडमिशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एडीएम, और यहाँ पर मैं सेट करता हूँ एडमिशन डेट। लेकिन डेट एंड टाइम को जब हम लोग सेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि डेट एंड टाइम लिखने के बहुत सारा अलग अलग तरीका है, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग को क्या करना, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पर जाकर शॉर्ट डेट को लेना, शॉर्ट टाइम को नहीं, क्योंकि एडमिशन डेट है, एडमिशन टाइम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का डेटा टाइप वो क्या है। इसके बाद करेंसी है, तो करेंसी के लिए हम लोग फी ले लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो MS Access है माइक्रोसॉफ्ट का, ये USA का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करेंसी होगा वो डॉलर में होगा। तो हम लोग को यहाँ से करेंसी का फॉर्मेट को भी चेंज कर देना है और इसको हम लोग स्टैंडर्ड में ले आएंगे, ठीक है, जो कि हर जगह को सपोर्ट करेगा।
नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं क्या है उसको। ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ। ऑटो नंबर क्या होता है कि जब हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तो ऑटो नंबर में डेटा ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते जाता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। तो ये ऑटो नंबर है, तो ऑटो नंबर हम लोग अभी ले नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मतलब हम लोग ले चुके हैं या बोल सकते हैं कि एमएस एक्सेस खुद से ही दे दिया है, इसे यूज कर लो। उसके बाद है येस नो। तो जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक फील्ड लेते हैं लाइक एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब आप एक्सपोर्ट्स को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो कुछ फील्ड क्या होता है कि हम लोग येस या नो में आंसर दे सकते हैं। जैसे नेम जो है, नेम को हम येस नो सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलेंगे, येस या नो, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत मतलब बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आप येस नो में आंसर दे सकते हैं वहाँ पर आप इस फील्ड को लेंगे। तो लाइक, आप अगर कोई आपसे पूछता है कि डू यू लाइक स्पोर्ट, तो आप वहाँ पर येस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए हम उसको येस या नो में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद कुछ पार्ट और भी है, ओली ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, कैलकुलेटेड है, लुकअप विजार्ड है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करें, क्योंकि एक ही बार में इतना लंबा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग को समझ में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं आगे और इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और इतना करके मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने का शॉर्टकट क्या है, मैंने थोड़ा सा पहले बताया था, कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे और आपका जो टेबल है ये सेव हो जाएगा। अब हम लोग को इस टेबल का जो डिज़ाइन कर लिए हैं इसमें हम लोग को डेटा को एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन में प्रेस करेंगे। हमारा टेबल आ गया, अब हम लोग यहाँ पर डेटा को एंट्री करेंगे। तो डेटा को एंट्री करने के लिए जस्ट आप लोग को यहाँ पर फील्ड को देखना है कि फील्ड क्या नेम है। तो जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ राहुल, एड्रेस में ऐसे तो एड्रेस बहुत लंबा होता है, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जामशेदपुर। ओके, आप लोग जब कीजिएगा तो आप पूरा एक लंबा सा जो एड्रेस आप टाइप करके देख सकते हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट लेते हैं, आप लोग को याद होगा। एज में क्या दूँ, एज में दे देता हूँ 12 या 14 दे देता हूँ यहाँ पर। एडमिशन डेट, तो एडमिशन डेट क्या है कि जिस दिन आप यहाँ पर डेटा एंट्री कर रहे हैं वही एडमिशन डेट है। तो आप जस्ट आज का डेट में क्लिक कीजिए, यहाँ पर डेट एक्सेप्ट कर लेगा। फ़ी क्या है, फ़ी देखिए यहाँ पर फिर से डॉलर में आ गया, मुझे लगता है वहाँ पर जब फॉर्मेट में हम लोग चेंज किया तो चेंज नहीं हुआ था, तो फिर से हम लोग जाके कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग फ़ी ले लेते हैं 10,000। ठीक है, स्पोर्ट्स अगर लाइक करते हैं क्लिक कर दीजिए तो ये येस हो गया। एक और डेटा एंट्री कर लेते हैं, फिर हम लोग को जाके थोड़ा सा देख लेंगे कि फ़ी जो कि करेंसी अभी डॉलर में है उसको स्टैंडर्ड में कैसे चेंज करना है फिर से। ठीक है, एक और जस्ट यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। हम मान लीजिए इसका एडमिशन जो है उसके बाद होगा या पहले हो गया था, व्हाटएवर जो भी है, आप चाहे तो सेम डेट ले सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट है तो आप जैसा चाहे डेट ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और इसका भी फ़ी हम लोग सेम रखते हैं, आप चाहे तो अलग भी रख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी बहुत ज़्यादा है, 1,00,000 कितना नहीं देना, ये तो फ़ी कम और आपका डोनेशन ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना। अब मान लीजिए कि इसको एक्सपोर्ट पसंद नहीं है, ये स्पोर्ट्स को लाइक नहीं करना चाहता, तो हम लोग को यहाँ पर जस्ट क्लिक नहीं करना है, छोड़ देना है एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने नीचे में क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक रो ऑटोमेटिक ले लिया। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम आकर फिर से इसको चेंज कर सकते हैं अपना नया डेटा एंटर करके। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लोज कर दे रहा हूँ। और थोड़ा सा देखते हैं कि अपना जो फी का करेंसी था उसको हम लोग चेंज नहीं किए थे, चेंज किए थे हुआ नहीं था किसी वजह से, तो उसको हम लोग डिजाइन व्यू में जाके फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये हम लोग का करेंसी, और देखिए करेंसी फॉर्मेट जो है करेंसी ही रह गया था, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड करना था। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड हो गया है, एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड है, तो अभी हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको ओपन करके देखेंगे तो आप अभी देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो डॉलर का सिंबल था वो हट गया है। तो ये था हम लोग का आज का प्रैक्टिकल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि कोई थ्योरी या कोई टॉपिक जो है वो मिस हो रहा है, जो आपके सिलेबस में है और मैंने नहीं बताया, तो इस टाइप का थ्योरी को भी आप पूछ लीजिए टॉपिक को, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।